फ्रेंड्स, एक और आप सभी के लिए अच्छी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। देखिए, फायरमैन, आपको पता है डॉग यार्ड का आपने फॉर्म फिल किया था तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिस पर मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके बाद देखो यहाँ पर लिखना है रिक्रूटमेंट एंड नेवल डॉग यार्ड मुंबई। यहाँ पर क्या दे रखा है ये देखो, क्लिक हेयर फॉर फायरमैन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद डायरेक्टली ये पेज जो है वो नीचे ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फायरमैन। तो देखिए, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट है 9 सितंबर को, एक और सिटी होगा मुंबई में, 2 घंटे का पेपर होगा और मॉर्निंग के 9 o'clock ये रिपोर्ट करना है, 11 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर जो भी होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर शो कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कोई भी जानकारी होगी एक्स्ट्रा वो आपके एडमिट कार्ड पर दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या आपने एग्ज़ाम पेपर की तैयारी तो कर रहे हैं, उसमें ये भी देख लीजिए कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, यहाँ पर स्पेशली दे रखा है कि 5 सब्जेक्ट से आपके जो है एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहले रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस और ऑन फायर फाइटिंग, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जनरली खैर फायर फाइटिंग के बारे में यदि आप पूछेंगे तो मैं आपको वैसे बता दूंगा, बुक तो क्या मुझे पता है क्या कुछ होता है फायर फाइटिंग के अंदर, है ना। तो पूरा का पूरा सिस्टम मैं यहाँ पर बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर देखो 20-20 नंबर के सब्जेक्ट हैं, तो इनके अंदर स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं लेकिन उनमें से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कुछ ही जिनकी हाई परसेंटेज होती है उनका एडमिट कार्ड आता है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सबका सिलेबस दे रखा है कि आपको यहाँ से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारा का सारा पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपनी इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर लिखा ना, इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इट्स वोकैबुलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सनम सेंटम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस। तो देखो, ओवरऑल मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सर्च करो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड किसी का भी पेपर मैंने सॉल्व कराया, वहाँ से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। आप सबको पता है कि इसका ऑफलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन के साथ साथ आपका स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा रहेगा, आपके चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और देखो, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पता है जो भी है वो तो ठीक है, वो तो सबको दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्या होता है कि जिसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, पता है आपको ये 5 सब्जेक्ट है और 20-20 नंबर का है, तो पता है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसके भी ज़्यादा होंगे ना समझ लो उनकी पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि इसके बाद वो फिज़िकल के लिए आपको बुलाएंगे, तो फिज़िकल तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बट सबसे बड़ा इशू होता है कि एग्ज़ाम पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना। इसमें बता दूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता, आराम से आप इसे कर सकते हैं। बट हाँ, देखो यार, अगर आप पढ़े हैं रियली में, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो फिर आराम से आप कर सकते। देखो, 9 तारीख आपका एग्ज़ाम जैसा इसमें देख रखा है, तो उसको देखते हुए आपके पास सफिशियंट टाइम तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी था, ठीक है। अब आपका पेपर होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्निंग में ये नोटिफिकेशन मुझे दिखा तो इमीडिएटली मैंने आपको वीडियो इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, फिर मैं मिलता हूँ आपको इवनिंग की वीडियो के साथ, एंड आपको SSR का भी रिव्यू दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।